ए मन चंचला चतुराई किने न पाइया, चतुराई न पाइया किने तू सुने मन मेरिया। एह माइया मोहिणी जिन ये तू भरम ही भुलाइया, माइया त मोहिणी तिने जिनी ठगौली पाइया। कुर्बाणु कीता तिसे बिटहू जिन मोह मीठा लाइया। कहे नानक मन चंचल चतुराई किने न पाइया। हे चंचल मन, चालाकियों से किसी ने भी आत्मिक आनंद प्राप्त नहीं किया। हे मेरे मन, तू ध्यान से सुन ले कि किसी जीव ने चतुराई से परमात्मा से मिलाप का आनंद प्राप्त नहीं किया। अंदर से तू मोहिनी माया के जाल में भी फंसा रहे और बाहर से सिर्फ बातों से आत्मिक आनंद चाहे, ये हो नहीं सकता। यह माया जीवों को अपने मोह में फंसाने के लिए बड़ी मोहिनी है। इसने इस भ्रम में डाला हुआ है कि मोह मीठी चीज़ है, इस तरह यह जीव को कुमार्ग पर ले जाती है। पर जीव का भी क्या वश, जिस प्रभु ने माया के मोह की ठग बूटी में जीवों को लिप्त किया है, उसी ने यह मोहिनी माया पैदा की है। इसलिए हे मेरे मन, अपने आप को माया पर कुर्बान करने के स्थान पर उस प्रभु पर कुर्बान कर जिसने मीठा मोह लगाया है, तब ही यह मीठा मोह समाप्त होता है। नानक कहते हैं, हे मेरे चंचल मन, चतुराई से किसी ने परमात्मा के मिलाप का आत्मिक आनंद प्राप्त नहीं किया। आनंद साहिब से सीमा फुटेला जी हैं, कह रही हैं, इस पद में गुरु नानक साहिब ने कहा कि चालाकियों से आत्मिक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता यदि जीव अंदर से माया मोह में फंसा रहे और बाहर की बातों से आत्मिक आनंद चाहे, तो यह हो ही नहीं सकता। पर यह मोहिनी माया भी उसी परमात्मा ने पैदा की है, इस पर हम जीवों का क्या वश। मुझे तो अपने विषय में लगता है कि मैं भी सिर्फ बाहर से ही आनंद की बात करती हूँ, परंतु परमात्मा का स्मरण जो कि हर पल होना चाहिए, वह नहीं कर पा रही। फिर कैसे आत्मिक आनंद हो सकेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। आप बाहर बाहर जो आनंद की बातें करती हैं, उन्हीं बातों को और ठीक कर दीजिए, उन्हीं बातों में और ईमानदारी और सत्यता ला दीजिए, काम हो जाएगा। आदमी करे तो क्या करे, उसे शुरुआत तो बाहर से ही करनी है ना। जैसे आदमी की मजबूरी कुछ ऐसी हो कि अपने भीतर भी आने के लिए उसे शुरुआत बाहर से ही करनी पड़ेगी। आज स्टूडियो कबीर में बुल्ले शाह थे, कह रहे थे कि इशक मजाजी दाता है, इशक मजाजी पिता है माता है, उसी से इशक हकीकी का जन्म होता है। इशक मजाजी समझते हो? किसी व्यक्ति से प्रेम। बुल्ले शाह की दुनिया में देखें तो मुर्शिद से, गुरु से प्रेम। तो भीतर की आत्मा तक भी आना है तो तुमको शुरुआत तो बाहर के गुरु से ही करनी पड़ेगी। बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए, गोविंद भीतर हैं, गुरु बाहर हैं, लेकिन भीतर के गोविंद से भी परिचय बाहर का गुरु ही कराता है। अभी उस दिन सहजोबाई क्या कह रही थी,
राम तजू गुरु न बिसारू। गुरु के सम हरि को न निहारू। तो कोई बात नहीं सीमा जी, अगर आप बाहर बाहर बातें करती हैं, पर आप जो बाहर बाहर कर रही हैं उसी को खड़ा कर लीजिए। बाहर का ही एक रास्ता भीतर को आएगा, बाहर के लेकिन उस रास्ते को पहचानिए। तो क्योंकि बाहर रास्ते बहुत सारे हैं, अगर आप भीतर नहीं आ पा रही तो इसका कारण यह है कि बाहर आपने या तो सही रास्ता चुना नहीं है, या अगर सही रास्ता चुना भी है तो उस पर ज़रा अटक अटक के अनमनी होके चल रही हैं, अपनी पूरी श्रद्धा और ऊर्जा उस रास्ते को नहीं दे रही। निराकार का स्मरण कौन कर सकता है? आपने कहा परमात्मा का स्मरण लगातार नहीं बना रहता, निराकार का स्मरण कौन कर सकता है? जिसका रूप ही नहीं, रंग ही नहीं, नाम ही नहीं, ना आगा ना पीछा, ना शुरुआत ना अंत, उसका स्मरण कौन कर सकता है? कोई भी नहीं। तो निराकार का स्मरण करने की तो चेष्टा ही व्यर्थ है। आपको अगर स्मरण की ही विधि आजमानी है तो स्मरण तो आपको साकार का ही करना पड़ेगा। देख लीजिए साकार जगत में कौन सी इकाइयां हैं जो आपके स्मरण में बनी रहती हैं। अगर सही इकाई बनी होती आपके स्मरण में तो साकार इकाई का स्मरण ही आपको निराकार की गोद में बैठा देता। स्मरण तो आप कुछ ना कुछ कर ही रही हैं, और जिस भी वस्तु का आप स्मरण करती हैं, या व्यक्ति का, या विचार का, या मंत्र का, या जिस भी चीज का स्मरण तो आप कर ही रही हैं। अगर वो स्मरण उचित ही होता तो अब तक आप संसार को विस्मृत करके सतत सुमिरन में स्थापित हो गई होती। आपने जैसा लिखा है उससे ऐसा लगता है कि आप कहना चाह रही हैं कि सारा सुमिरन बस बाहर का चल रहा है, भीतर नहीं पहुंच रहा। आप भेद देख रही हैं बाहर और भीतर में। आप कह रही हैं कि बाहर का सुमिरन चल रहा है, भीतर का सुमिरन नहीं चल रहा। आप भेद देख रही हैं बाहर और भीतर में। मैं बिल्कुल दूसरी बात कह रहा हूं, मैं भेद देख रहा हूं बाहर और बाहर में। चूक ये नहीं हो रही है कि सुमिरन बाहर का चल रहा है, भीतर का नहीं हो पा रहा। चूक ये हो रही है कि बाहर जिन चीजों का सुमिरन चल रहा है वो भीतर ला ही नहीं पाएंगी। बाहर ही कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो भीतर ले आ देती हैं। पूरी जान लगा करके उनका सुमिरन करिए। आदमी के पास संसार के अलावा कोई जगह नहीं है। आदमी के पास दुनिया की गलियों के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो चलना तो आपको दुनिया में ही पड़ेगा और दुनिया की ही गलियों में पड़ेगा। आप सही गली तो चुनो। दुनिया में ही एक गली ऐसी होती है जो दुनिया के पार ले जाती है। आप उस गली को पकड़ो तो सही। और मैं बिल्कुल भौतिक गली की बात कर रहा हूं, ऐसी गली जिस पर यही हड्डी मांस का पांव रख के चलते हो। आप उस गली की ओर आया तो करो। दुनिया में ही कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो आपको स्थानों से मुक्त कर देते हैं। आप उन स्थानों पर मौजूद तो रहो। उन्हीं स्थानों पर कुछ समय ऐसे रहते हैं जो आपको समयातीत से मिला देते हैं। आप उस समय पर गायब कहां हो? दुनिया से बाहर जाने की विधि क्या है? दुनिया, बस जरा विवेक के साथ दुनिया में कदम रखना। और कहां जाओगे? दुनियावी जीव हो तुम, और जाओगे कहां? तुम्हारे पांव के आसमान में उड़ेंगे? पांव तो जब भी रखोगे मिट्टी पर ही रखोगे, या मिट्टी से बनी किसी चीज पर रखोगे। मिट्टी मिट्टी में फर्क होता है, दुनिया दुनिया में फर्क होता है, दिशा दिशा में फर्क होता है, जगह जगह में फर्क होता है।
दुनिया में सही चाल चलो, पार निकल जाओगे।